अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब देश में आस्था का एक अलग माहौल है। ऐसे में अब राम नगरी में इसकी एक और वानगी देखने को मिली है। वहां राम के मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए एक पद यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें, दरअसल ये यात्रा करीब 15,000 किलोमीटर की है, जो कि काशी से शुरू हुई और अयोध्या होते हुए फिर पड़ोसी देश श्रीलंका तक जाएगी, जहां से श्री राम विजेता बनकर लौटे थे। हाथों में प्रभु श्री राम और उनके परिवार की मूर्तियां, तो मुख से जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारे। ये मौका है श्री राम पदयात्रा का, जो कि काशी से अयोध्या पहुंची। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव श्रीलंका है। दरअसल अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष में काशी की सनातनी संस्था ब्रह्मराष्ट्र एकम ने इस यात्रा का आयोजन किया, जो कि कुल 45 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा का मकसद राम राज्य, विश्व शांति और सद्भावना का संदेश देना है। भगवान त्रेता में वनगमन गए थे अपने पिता की आज्ञा से, और उसके बाद फिर वनगमन यात्रा कोई नहीं किया। इस कली काल में ब्रह्मराष्ट्र एकम के बैनर तले हम समस्त काशीवासी राम पग यात्रा का निर्णय लिया गया, संकल्प लिया गया, और उस संकल्प के आधार पर आज हम लोग 2 रोज से अयोध्या नगरी में हैं। अयोध्या नगरी की मिट्टी लेकर, भगवान राम जन्म की मिट्टी, भूमि की मिट्टी को लेकर हम लोग यहां से श्रीलंका तक जाएंगे। ये यात्रा 2 फरवरी को काशी के संकट मोचन घाट से शुरू हुई थी और अगले महीने 14 मार्च को श्रीलंका में जाकर खत्म होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं का ये जत्था 2 देशों, 10 राज्यों और 200 जगहों से होकर गुजरेगा। अयोध्या के बाद इस पदयात्रा का अगला पड़ाव श्रृंगवेरपुर है, फिर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए श्रीलंका तक जाएगी, फिर वहां से ये श्रद्धालु वाराणसी लौट आएंगे। राम जी के आदर्शों को, उनके नैतिक मूल्यों को लेकर के हम लोग इस यात्रा को काशी से प्रारंभ करके आज हम लोग अयोध्या में प्रस्थान कर चुके। अब अयोध्या से हम लोग आगे श्रृंगवेरपुरम की तरफ हम लोग जाएंगे, फिर प्रयागराज होते हुए चित्रकूट, सतना, रामटेक, लेपाक्षी, हम्पी होते हुए हम लोग रामेश्वरम, रामेश्वरम से श्रीलंका तक ये हम लोग रामपग यात्रा करेंगे। उसके बाद भारत लौट करके फिर शेष भारत की तरफ सोमनाथ, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और राजधानी लखनऊ होते हुए हम लोग काशी में इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। बताया जा रहा है कि ये पदयात्रा कुल 15,000 किलोमीटर की है, यानी सभी जगह जहाँ जहाँ भगवान राम गए वहाँ वहाँ से होकर ये यात्रा गुजरेगी। वहाँ भंडारा, भजन किए जाएंगे। संदेश एक ही है, प्रभु राम की सेवा और उनके मूल्यों का प्रचार प्रसार, जिससे युवा पीढ़ी भी बड़ी संख्या में धर्म के मार्ग पर जुड़ती चली जाए। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।